हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और आज डेट है 24 मई और दिन है रविवार। और आज कोई व्लॉग नहीं गया था क्योंकि कल मैं कोई बना ही नहीं पाई थी। एक्चुअली कल मेरे कोई काम ना इतना हो गया था, और वैसे कोई काम नहीं, वो तो डेली के होते ही होते हैं, बट कल मुझे यूट्यूब का ही कुछ काम हो गया था, कुछ मुझे करना था उसमें काम, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उतना उलझ गई थी उसमें कि फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मन ही नहीं हुआ, फिर कोई व्लॉग बना ही नहीं पाई थी मैं। और मैंने कहा चलो आज मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैंने आपको बताया था ना, मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे तो वो आ गए हैं। मैं कहा मैं देखती हूँ ऑनलाइन, मैंने ऑर्डर तो किए हैं, आते हैं नहीं, तो आ गए हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है, और ये है, मैंने 2 प्रोडक्ट मंगाए थे तो मैं आपको भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया था। तो चलिए पहले मैं कैमरे को उस पर लगा लेती हूँ, ट्राइपॉड पे, तब आपको दिखाती हूँ। तो ये प्रोडक्ट है, वो इनको पहले ही खोल तो मैंने पहले ही लिया था। तो ये आंवला सिका का रीठा का पाउडर है, जो कि आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों में। मुझे लोगों ने कमेंट करके पूछा भी है कि आपके बाल सिल्की बहुत हैं, तो उसके लिए मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और ये जो है ऑयल, ये मैंने मंगाया था, इसका मैंने बहुत नाम सुन रखा था, मेरी बहन की बेटी यूज़ कर रही है इसे, उसको काफ़ी फ़ायदा है बालों में झड़ने में, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। पर इसका मैं बताऊंगी आपको तब जब मैं इसको पहले मैं खुद यूज़ कर लूँगी, तब मैं सोचा तब आपके साथ शेयर करूँगी कि ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद बैठ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो अभी खाने में आज बनाएंगे हम भरमा करेले की सब्ज़ी। तो भरमा करेले की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं दिखा रही थी। मसाला भून करके मैं ले आई थी बाहर बरांडे में, यहीं बैठ के मैं कर लेती हूँ क्योंकि अंदर गर्मी लगती है किचन में, तो मैं बस भर रही थी करेलों को। और करेले इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने पसंद हैं कि आए दिन मतलब ख़त्म होने नहीं देते, तब तक तो ले आते हैं। और पता है क्या चल रहा है अभी हमारे यहाँ, कल क्या हुआ था, कल तो मैंने इस वजह से वीडियो नहीं बनाया था कि एकदम से गैस ख़त्म हो गई थी, नंबर हमने लगाया नहीं था। नहीं तो वैसे हम लोग सिलेंडर 2 रखते हैं, जैसे एक ख़त्म हो जाए तो तुरंत दूसरा लगा लो, बट वो जो था ना वो किसी को ज़रूरत थी तो उनको हमने दे दिया था और हम लोग नंबर लगाना भूल गए। कल खाना बनाते बीच में सिलेंडर ख़त्म हुआ, तो कल समझ लिए कल मैंने पूरा दिन जो है स्टोव पे बनाया खाना। फिर 2 एक और हैं पड़ोसी, उनसे हमने लिया था तब जाके खाना बन पाया। तो यहाँ पे देखिए मैं बगला रही थी मेहंदी अपने लिए। तो यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही थी ना आपको, ये ओरिगेंस कंपनी का है आंवला पाउडर, और ये प्योर एंड नेचुरल है बिल्कुल, और इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं। ये 100 ग्राम का पैक है, और ये सीका का ही पाउडर है, ये सेम ये भी 100 ग्राम का ही है, और ये है रीठा पाउडर, तो ये भी सेम 100 ग्राम का ही है। और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ओरिगेंस के, ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी दीदी की बेटी इसको यूज़ कर रही है, उसने ऑयल भी यूज़ किया है, वो कई चीज़ इसकी मंगा चुकी है, तो वही बता रही थी कि मौसी इसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, एक बार ट्राई करके देखना। तो बस मैं यहाँ पर डाल रही थी मेहंदी, तो मैंने अपने हिसाब से मेहंदी ली, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना भी आप लेना चाहते हो। तो मुझे ना कई बार कमेंट भी आए कि आपके बाल जो हैं बहुत सिल्की हैं तो क्या करते हो, तो मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि मैं मेहंदी में हमेशा ये चीज़ें डालती ही डालती हूँ, हमेशा से इसको मैं यूज़ करती आई हूँ। मेरी मम्मी भी मेरे बालों में यही चीज़ लगाया करती थी, पर बट फ़र्क ये था कि जब इनको कूट के पीस के और क्या क्या करके करते थे, तो इसी वजह से हम लोग फिर आलस की वजह से इनको छोड़ देते हैं कि अब इतनी मेहनत कौन करे। तो इसीलिए मैंने इनको पिसा हुआ मंगवाया है, बट ये अब की बार मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, इस कंपनी का मंगवाया है। और ये मैंने तीनों चीज़ें बराबर बराबर ले ली हैं, और अभी ये फ़िलहाल आपको ऑफ़र में मिल जाएंगे, इस पर छूट चल रही है, ये डिस्काउंट चल रहा है 40% का, इस पर डिस्काउंट है। बस जिसकी एक जो आप तीनों पैक मंगाओगे ना, तो इसकी कीमत 741 रुपये है, बट आपको डिस्काउंट में ये 399 में पड़ जाएंगे, मुझे 399 में पड़े हैं तीनों डिब्बे जो हैं। आप एक मंगाना चाहें तो एक भी आपको मिल जाएगा, बट तीनों मंगाएंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि तीनों चीज़ ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी मंगा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, इनको ख़रीदना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाके एक बार आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या कैसे डिस्काउंट है, क्या कैसे है। तो बस यहाँ पर मेहंदी में पानी डाल के मैं इसको घोल लूँगी। और पता है जब बालों की बात आती है ना,
कि बाल इतने सुंदर कैसे हैं, लंबे कैसे हैं, तो बस हमेशा पहले यही बात आती थी कि हम आप क्या यूज़ करते हो, आमलासी का कहीं पाउडर या मुल्तानी मिट्टी, यही चीज़ों से पहले बाल धुला करते थे। मैं खुद धोती थी, मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं खुद धोती थी, लेकिन अभी इतनी मेहनत मैं नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं पिसा हुआ मंगाती हूँ। तो ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप इस पर बिलीव कर सकते हो। तो बस यहाँ पर इसको घोल के रख दूँगी, और इसको आप पैक बना के भी यूज़ कर सकते हो इन तीनों प्रोडक्ट का, और उनको शैम्पू भी बना सकते हो। ऐसे इनको बॉईल करके और पानी में और ठंडा करके रख दीजिए, क्योंकि रीठा जो होता है वो बाल साफ़ करने के काम आता है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं अपने सब्जी की तैयारी। तो यहाँ क्या हुआ था, आप देख पा रहे होंगे दो जो करेले हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गए। वो इसलिए हो गए कि मैं जब करेले मतलब वो कर रही थी ना, भर रही थी, तब फ़ोन आ गया था। तो फ़ोन बात करते करते मैं भूल गई कि मैंने करेलों को बांधा ही नहीं है। फिर जैसे ही मैंने वो दो करेले छोड़े ना, और मुझे याद आया कि मैंने करेलों को बांधा ही नहीं है। ये होता है यार, फ़ोन जब हम किसी का बात करने लग जाते हैं तो मतलब बहुत चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से। ये फ़ोन है ना, ये डाइवर्ट तो करता है दिमाग को, ये बात तो है। तो यहाँ पर मैं फिर भूल गई, फिर मैंने इनको बीच में बंद करके, ये दो तो फिर डले रहने दिए थे, बंद करके फिर उनको बांधा, फिर इन पे डाला मैंने। तो बस यहाँ करेले मैंने रख दिए हैं, और गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है, एकदम सिम पे बनाऊंगी। और यहाँ मैं चढ़ा रही थी मूंग वाली दाल छिलके की, तो करेलों के साथ में दाल चाहिए। और अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक डाल के दाल को चढ़ा दूंगी। बट यही है कि बच्चों को ना तो करेले पसंद है ना दाल पसंद है, तो बच्चों के लिए कुछ और देखूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं घी डालती हूँ दाल में, किसी भी दाल में घी या तेल आप डाल दीजिए, दाल जो है फनती नहीं है, कुकर में से निकलती नहीं है बाहर। तो इसको अब दो तीन सीटी लगा के लिए रख देते हैं। बच्चों के लिए मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ और ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो ये खाएंगे नहीं, दाल ये वाली नहीं खाते हैं। और बीच में हम अपने करेले चेक करते रहेंगे, बीच करेलों को बीच बीच में चलाती रहूँगी, और गैस को बिल्कुल सिम करके, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। वो वाले करेले तो मेरे लगभग हो ही गए हैं, उनको मैं पहले निकाल लूँगी। तो यहाँ उलट पुलट कर दूँगी मैं करेलों को, और गैस को बिल्कुल सिम करके फिर इनको ढक के रख दूँगी। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इनमें, थोड़ा नहीं है, टाइम तो बहुत लगता है करेले बनाने में। कितना इनको पहले छीलो, फिर धोओ, फिर सुखाओ, फिर पता नहीं क्या क्या हाइडम्बर करने पड़ते हैं इनको बनाने में, पर लगते भी टेस्टी बहुत है। फिर उसके बाद मैंने सोचा तब तक आटा वाटा लगा के रख देती हूँ मैं। और मेहंदी का मैं सोच रही थी कि अभी आज लगाऊंगी, देखूंगी, बट आज मुझे मन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। अब एक साथ इतनी सारी मुसीबतें आई हैं ना, कि एक तो मैंने बताया था कि सिलेंडर अचानक से ख़त्म हो गया, तो कल स्टोव पे ही मुझे करना पड़ा। और फिर कल रात क्या हुआ कि 11 बजे से कल रात की लाइट गई है, और आज अभी 2 बजे तक लाइट नहीं आई है हमारे यहाँ पे, अभी तक लाइट नहीं आई है। तो उस पर ऐसे पानी की प्रॉब्लम, और इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था, सब कुछ इतनी प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए पराठा। तो यहाँ टमाटर लिया है मैंने और प्याज लिया है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें डाली है थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा चाट मसाला। तो ये पराठा जो बना रही हूँ ना मैं बच्चों के लिए, इसके सामने आपका पिज्ज़ा भी फेल हो जाएगा। बच्चे जब पिज्ज़ा की रिक्वायरमेंट करते हैं ना, मांगते हैं, तो आप ये वाला पराठा बच्चों को बना के दीजिए, वो पिज्ज़ा भूल जाएंगे, सच बता रही हूँ। ये मैं बच्चों को अक्सर बना के देती रहती हूँ, क्योंकि भाई पिज्जे का तो ये है कि इतना सारा मतलब बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं पिज्ज़ा के लिए, कि ये लाओ वो लाओ, इनके लिए कुछ नहीं, घर में टमाटर प्याज तो रहता ही रहता है। जब भी आपके बच्चे मांगे पिज्ज़ा, तो अब ये पराठा मेरे कहने से एक बार बना के खिलाना, बच्चे पिज्ज़ा भूल जाएंगे, इतना टेस्टी होता है ना इनका जो टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे मैंने पहले जो लोई लेके और दो रोटियाँ बेलूँगी, क्योंकि एक में तो ये नहीं आ पाएंगे, एक में आप भरोगे तो टमाटर में पानी होता है तो वो फट जाएगा। तो आपको किस तरीके से बनाना है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो आपको दो बराबर बराबर की रोटियाँ बेल लेनी है इस तरीके से, और बाकी सबको मैंने खाना बना के खिला दिया था, ये बच्चे रह गए थे क्योंकि बच्चों का मन नहीं था ये खाने का। मैंने कहा चलो पहले सबको रोटियां खिला देती हूँ, फिर मैं तुम्हें पराठा सेकूँगी बाद में। और प्लीज़ मेरे तवे को इग्नोर करिएगा, तवा मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, जैसे ही मार्केट खुलेगा मैं सबसे पहले तवा ही मंगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाला है इस पर सोया सॉस, आप सॉरी सोया सॉस नहीं यार पिज्ज़ा सॉस, मैं भूल जाती हूँ, पिज्ज़ा सॉस डाला है। और आप चाहें तो यहाँ पे टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही होना चाहिए। इस पे मैं रख लेती हूँ ये टमाटर प्याज जो कटे हुए थे वो, तो इस पे चारों तरफ फैला लेंगे, साइड थोड़ा छोड़ देंगे जिसके पराठा में भी चिपकाना है अपना, तो पूरे में फैला लेंगे टमाटर प्याज को। और ये देखिए दूसरा जो रोटी थी हम उसको रख देंगे, और उसके बाद ये साइड जो है इसको अच्छे से चिपका देंगे। आप चाहें तो यहाँ पानी लगा के भी चिपका सकते हैं, तो ऐसे कस के चिपका दे, सिर्फ छोटे नए पराठा।
अब यहाँ पे ले लिया है मैंने एक फोक, जिससे कि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूँगी। आप ऐसे भी रख सकते हो, बट मैंने डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे किया है। और डिज़ाइन के अलावा थोड़ा ये फिर छूटता भी नहीं है, अगर फोक से आप कर देते हो ना तो फिर छूटता भी नहीं है। तो यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो गया, इस पर डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल। और तवा सच में मेरा बहुत बुरा लग रहा है, मुझे खुद देखने में बुरा लग रहा है, पर क्या करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है इसको, और इसको पलट देते हैं। गैस को हमें मद्दा ही रखना है, यानी कम ही रखना है, तभी पराठा हमारा अच्छा बन पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा रहता है इस वजह से, तो थोड़ा टाइम ही लेता है सिकने में। और इसके सिकने में ये भी है कि जो बीच वाला एरिया है वो थोड़ा उठा उठा हो जाता है ना, तो कॉर्नर थोड़ा सा इसको सिकने में परेशानी करते हैं। तो इसको दबा दबा के हमें कॉर्नर इसके सेकने होंगे, जो किनारे होते हैं साइड साइड इसकी, तो ये हमें ऐसे कर करके सेकना है दबा दबा के। तो पराठा ये सच में एक बार आप बना के देखिएगा ना, आपके बच्चे बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे इस पराठे के। तो इस तरीके से आपको सेक लेना है। पराठा हमारा सेक चुका है, और देखिए मैं इसको भी निकाल लेती हूँ प्लेट में, और फिर बच्चों को सर्व करूँगी। बच्चों को सर्व आप करें तो थोड़ा सा इसको कट करके करें, थोड़ा सा काट, किसी पीजे वाली शेप में काट ले। इस तरीके से मैंने इसके चार टुकड़े कर लिए हैं पराठे के, तो देखने में भी अच्छा लगता है, बच्चों को खाने में भी आसानी रहती है। और टमाटो केचप के साथ सॉस के साथ आप दे दीजिए, सॉस ही वही है जो मैंने बनाई थी। तो यहाँ मैं बच्चों को दे देती हूँ, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ वाला पराठा बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा बना दिया है, और तीसरे की तैयारी आप देख रहे होंगे, वो दो रोटियाँ बनी रखी हैं, इसको भी मैं इसी तरह से सेक लूँगी। और ये पराठा इन्होंने भी खाया था, वैसे ये ऐसी चीज़ों को ये खाते नहीं है, बट बच्चे खा रहे थे तो एक पीस उन्होंने बच्चों से लिया था, बोले अरे ये पराठा तो बड़ा टेस्टी है भाई, एक दिन और बनाना, हम सब के लिए भी बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो बस खाना बन चुका है, तो चलिए अब ले लेते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के नाम जो नए हैं, और वीडियो को एंड भी करते हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया है आज, मतलब मैंने बहुत कुछ खास आपको नहीं दिखाया है, मैं सच बताऊं। एक्चुअली पता नहीं क्यों आज मेरा ना मन नहीं हो रहा था, और फिर सही बात ये भी है कि थोड़ा सा लाइट वगैरह की वजह से काम भी लेट सेट बहुत हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाइट हमारे कल रात से नहीं थी, कल रात 11 बजे की गई, आज आई है वो 2-3 बजे करीब लाइट आई है, तो उस वजह से पानी वगैरह सब कुछ मतलब डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या करूँ, बट आज ब्लॉग नहीं गया था, तो फिर मुझे लग रहा था कि नहीं ब्लॉग तो बनाना चाहिए, फिर कल भी नहीं जाएगा, तो इस वजह से ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो चलो मैं नाम ले लेती हूँ, ऋचा शर्मा जी, रेनू मिश्रा जी, तनु जी, रेनू सिंह जी हैं एक यशोदा कुमारी हैं, एक राज सोनी है, एक पिंकी शर्मा, ये हैं। तो आप सबका दिल से थैंक यू, दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े और हमारी YouTube फैमिली में आप शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा और मैं आगे जाऊँ, आप लोग मेरे साथ इसी तरह सहयोग करिएगा। और जो भी आपको मेरे वीडियो में या मेरे ब्लॉग में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे बता दिया ज़रूर करो, क्योंकि जब अब तक हमें हमारी कमी पता नहीं चलेगी तब तक हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा कि नहीं ये सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बट जब हमें कोई हमारी कमी बताता है कि आप ये करिए, या फिर आप और कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ और दिखाऊं ये कुछ अलग से, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं कोशिश करूँगी उसको करने की पूरा। और आप सब लोग बहुत प्यार करते हो सच में, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना आपकी, मैं सोच रही थी एक दिन बताना आप लोग, एक दिन मतलब मैं आपके कमेंट पढ़ूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट भी काफ़ी दिन से आ रहा था कि मतलब आप ना कमेंट बॉक्स पढ़िए, तो देखती हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ूँगी। और चलिए तो वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ यहीं पे, और मेहंदी मैंने लगाई नहीं है, अभी डाल दी है, अब मैं मेहंदी कल लगाऊंगी, वो आपके साथ कल शेयर करूंगी, आज मैंने लगाई नहीं है मेहंदी, कि बताया था ना गर्मी की वजह से मेरा मन नहीं हो रहा था, फिर वही है गर्मी में पसीने में मेहंदी बह बह के आती मुँह पर, तो वो भी नहीं अच्छा लगता, अभी कल लगाऊंगी, ठीक है, कल शेयर करूंगी। और ये तो मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।